जापानी चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबाएं। लेबनान की राजधानी बेरूत में बीते मंगलवार को भीषण विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए। विस्फोट से राजधानी के कई हिस्से हिल गए और शहर से घना काला धुआं उठने लगा। निवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि धमाका इतना तेज हुआ था कि घरों की खिड़कियां और फॉल सीलिंग टूट गई। इस भीषण विस्फोट में 73 लोगों की मौत हो गई और वहीं 37 लोग घायल हो गए हैं। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि यहां के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। मिली जानकारी के अनुसार विस्फोट बेरूत के पतन के आसपास हुआ और इससे भारी मात्रा में नुकसान हुआ। बेरूत पतन के निकट मौजूद एसोसिएट प्रेस के एक फोटोग्राफर ने लोगों को जमीन पर जख्मी हालत में देखा, साथ ही मध्य बेरूत में भारी तबाही देखी। विस्फोट बेरूत के पतन में उस इलाके में हुआ जहां पटाखे रखे जाते थे। लेबनान के आंतरिक सुरक्षा प्रमुख ने जानकारी दी है कि बेरूत में पोर्ट इलाके में धमाका हुआ है। इस धमाके के लिए बेहद शक्तिशाली विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस विस्फोट के बाद बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि सेंट्रल बेरूत में आज शाम को दो बड़े विस्फोट हुए। सभी को शांत रहने की सलाह दी जाती है। हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमेशा जुड़े रहें पंजाब वाणी के साथ। धन्यवाद।